श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी कानपुर। छह बजे से लगे जाते हैं, छह बजे से खाने लगते हैं। और अच्छे अच्छे घरों के लोग, ऐसे नहीं कि जो फुटपाथ पे रहने वाले लोग हैं, कारों से उतर करके मैं देखता हूं, कार खड़ी साइड में करेंगे, देना यार। अरे क्या है ये, क्या तुम्हारी श्रीमतियां अपाहिज हैं, विकलांग हैं तुम्हारी श्रीमतियां, क्यों इतना खाने के पीछे? और क्या कहूं मैं, एक दिन तो मैंने अपनी सगी आंखों से देखा, कि एक भाई उस समय मुंह में गुटखा चबा रहा था और वो ऐसे से कर रहा था, और एक दूसरे घान में चमचा चला रहा था, और उसने आवाज दी उसके किसी व्यक्ति ने जो कचौरी अचौरी बना रहा, कहा रहा, और वो पूरा पान मुंह का उसी में गिर गया, और वो मसाला असाला डाला था, वो मुंह का पीक भी वैसे ही कलर का था, उसने फटाफट चम्मच चलाई, अब खाना। अब गंभीर सागर का चेहरा नहीं दिखे तो कह देना, आप खुद अनुभव करें। 25-40 साल पहले जब आपके घरों में आलू प्याज लहसुन नहीं आते थे, तब कितना घर में विनयशीलता थी, पुत्र पिता से किस प्रकार से बात करता था, और जब से आलू प्याज लहसुन घरों में आए, अब किस प्रकार से बात करता है आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी पत्नियां, आपके पति, एक दूसरे से कितनी कर्कशता के साथ और अहंकार टोन में रहती है। बहुत फर्क पड़ता है खाने पीने का, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। पानी का भी प्रभाव पड़ता है कि हम किस प्रकार से पानी पी रहे हैं। अगर आप चमड़े के जूते पहनकर, जूते मोजे पहनकर के पानी पी रहे हैं, उसका प्रभाव अलग पानी का पड़ेगा। आप चप्पल पहन करके पी रहे हैं, उसका प्रभाव अलग पड़ेगा। आप खड़े होकर के पानी पी रहे हैं, उसका प्रभाव अलग पड़ेगा। आप बैठ करके पानी पी रहे हैं, उसका प्रभाव अलग पड़ेगा। क्यों कहां बैठ करके भोजन करने की बात, क्यों विनय से परोसने की बात कही, क्यों मौन पूर्वक भोजन करने की बात कही, ये सारी की सारी चीजें कोई ना कोई लॉजिक रखती हैं। बंधु, बिना लॉजिक के जैन दर्शन में कोई भी चीज नहीं है। और हम तो कहते हैं 6 महीने आप अपने घरों से आलू प्याज लहसुन हटा दीजिए, प्याज हटा दीजिए, और सात्विक भोजन 6 महीने कर लीजिए, आपके घर का वातावरण चेंज होने लगेगा। और अब तो क्या दशा है, बिना लहसुन के, बिना प्याजों के एक ग्रास गुटकना कई परिवारों में बड़ा मुश्किल हो गया है। पहले ये तामसिक वस्तुएं हैं, इनको खाने वाले केवल 2 ही जातियां 3 जातियां थी, एक मुसलमान भाई, दूसरे पंजाबी। ये आलू प्याज लहसुन इनके घरों में ज्यादा खाया जाता था, क्योंकि ये तामसिक व्यक्ति थे, मांसाहारी व्यक्ति, तामसिक व्यक्ति थे। फिर धीरे धीरे और हिंदू समाज में भी बढ़ा, और अब जैन समाज में इतना ज्यादा फैल गया कि जिसका कोई हिसाब नहीं, बड़ी बड़ी बुजुर्ग माताएं भी खूब जम के खा रही। और वैष्णो दर्शन में महाभारत के अंदर शांति पर्व के अंदर कहा, नरक के 4 द्वार कहे उन्होंने। सबसे पहला नरक का द्वार रात्रि भोजन करना, दूसरा परस्त्री सेवन करना, तीसरा जमीकंद खाना, और चौथा संधान खाना, यानी 24 घंटे के बाद का अचार मुरब्बा आदि खाना। ये चौथे नंबर पर नरक जाने की बात कही वैष्णो दर्शन के महाभारत में व्यास जी ने। सोचे हम अपने जीवन में कि हम कहां जा रहे हैं। इसलिए जैनाचार्यों ने त्याग की बात कही थी। और जमीकंद अभक्ष है, जमीन के नीचे की वस्तुएं खाना, पैरों को मजबूत करना है, और पेड़ के ऊपर की चीजें खाना, ब्रेन को मजबूत करना है, मस्तिष्क को मजबूत करना है। मजदूर आदमी आलू प्याज लहसुन खाता है क्योंकि उसे बहुत मजदूरी करना, पल्लेदारी करना है, उनके पैर मजबूत होना चाहिए। और हमारे को दिमाग से काम करना है तो हमें ऊपर की चीजें खाना चाहिए, और आज का वैज्ञानिक भी इस चीज को सिद्ध कर रहा है। ये तामसिकता बढ़ाता है,
जमी कंद की चीजें, तो इनसे हम अपने जीवन में त्याग की ओर कितना बढ़ सकते हैं। रस का मतलब है स्वाद, और खाने पीने की चीजें भी आज पिज्जा, नूडल्स, बर्गर, मैगी, ये सब सुअर की चर्बी से तले जा रहे हैं। है मेरे पास पुस्तक, ये सब क्या है? सुअर की चर्बी, और सुअर क्या खाता है? सुअर क्या खाता है? पोटी, और पोटी से उसकी चर्बी बनती, उस चर्बी से तले जाते हैं। अब बोले आप क्या खा रहे हैं? मैंने वहां भी कहा था कैडबरी चॉकलेट कितने लोग खाते हैं? महाराज इसमें समझ लो 80% लोग खाते हैं। अबे जैन खाएगा? अब तुम नहीं, तुम्हारे बच्चे खाते हैं, तुम्हारी बहुएं खाती हैं, उसमें क्या बाधा है? ये यूजलेस 10-20 दुकानियां कहते हम नहीं खाते महाराज जी। अबे प्रवचन सार्वजनिक होता है, तुम अपने ऊपर मत लो। तो ये कैडबरी चॉकलेट का तुम्हें एक नाम बता रहा हूं, 60 काकरोच और एक चूहा है 100 ग्राम की चॉकलेट में। कैडबरी चॉकलेट खाने वाले सावधान। हमने कमेंट भी सुनवाई थी मोबाइल से माइक में लगवा करके, तो आपके मोबाइल में सब कुछ पड़ा है। क्या खा रहे हैं? आपके 100 रुपए की चॉकलेट मजदूर का बेटा नहीं खा सकता, जैन का बेटा ही खाएगा, जैन की बेटी ही खाएगी। इसलिए जब मांसाहार हमारे भोजन में बढ़ता है तो हमारी विनयशीलता खत्म हो जाती है, और हमारी भाषा बदल जाती है, अहंकार की भाषा हो जाती है, और हम विनयशीलता को समाप्त करते चले जाते। इसलिए जैनाचार्यों ने विनय शब्द रखा कि विनय 16 कारण भावना में भी विनय संपन्नता रखी, और 10 लाक्षण पर्व में भी विनय रखा। मान मार दो आर्जो, क्या है ये? सरल, कितने सरल होना चाहते हो? और जब तक अहंकार रहेगा हम सरल हो ही नहीं सकते, हम तो गरल रहेंगे, छोटी छोटी बातों में उत्तेजित होंगे। इसलिए विनय बढ़ाने के लिए हमें भोजन की थाली को भी समझना पड़ेगा, भोजन की थाली भी सुधारना पड़ेगी। आज सबसे ज्यादा भ्रष्ट हुई है तो भोजन की थाली, और ये भोजन की थाली जब भ्रष्ट हो गई तो परिवार में भी धीरे धीरे भ्रष्टता बढ़ती चली जाएगी। क्या घर थे पहले? मजाल है कि कोई आलू प्याज घर में लेकर के आ जाए? एक दशा बहुत खराब, एक युवा, 40 लाख का पैकेज है एक युवा का, और उसकी माँ उसके शादी करने के लिए एक बिटिया ढूंढ रही है, बस मगर लड़के की जिद है कि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जो आलू प्याज लहसुन नहीं खाती है। मिल नहीं रही उसको बिटिया। बोलो ये धर्म तुमसे चलता है सबसे ज्यादा। लोग कहते हैं धर्म को बढ़ाती हैं महिलाएं, मगर उसे बेटी नहीं मिल रही है किसी की। इन्हें आलू प्याज इतना जीवन में आवश्यक, इतना आवश्यक है। क्या क्या आवश्यक हो गया? आहार से ज्यादा लिपस्टिक आवश्यक है। आहार नहीं देंगे मगर लिपस्टिक नहीं छोड़ेंगे। चौके से हम बाहर चले जाएंगे यानी मांस नहीं छोड़ेंगे। जब कैंसर होगा फिर तो छोड़ोगे? राजस्थान में 300 महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर हो गया, एक एक स्तन कट गया। जब मैं प्रवचन देता था तो वो कहती थी वाह महाराज जी ऐसे थोड़ी होता है, 15-15 साल से लगा रहे आज तक कुछ नहीं हुआ। तो मैंने कहा भाई कल नहीं होगा क्या? बोले नहीं ऐसा नहीं होता है। और 2-2.5 साल के अंदर 300 महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर, एक एक स्तन कट गया उनका। अभी 15-20 तो चतुर्मास में आ गई, रोते चीखते महाराज जी क्या करें, अब हम क्या कहें? हम तो कहते जब एक सजना मिल गया फिर क्यों सजना, जब एक सजना मिल गया तो फिर क्यों सजना? किसके लिए सजना मुझे बताओ? मैं तो यही सोचूंगा कि जो सज रही उनके मन में पाप है। और अगर तुम सजना ही चाहते हो तो मैं कहता हूं 24 घंटे सजो,
अगर तुम अपने लिए और अपने पति के लिए सजते हो तो 24 घंटे क्यों नहीं सजते? घर से बाहर निकलते ही क्यों सजते हो? बताओ, कारण बताओ। है दम मेरी बात में? किसको दिखाने के लिए? निश्चित दूसरे को आकर्षित करने के लिए आप सज रहे हो। अब एक को प्रभावित कर लिया, एक को आकर्षित कर लिया, एक को सब कुछ दे दिया, सब कुछ ले लिया, अब किसको देना लेना है, अब मुझे ये बता दो। क्यों? ये नियम से नियत खराब है, कहीं ना कहीं पाप की बू आ रही है, और जहां पर ये भाव नहीं होता है बंदो, वो कहीं भी जैसी अवस्था में होते वैसे निकल जाते हैं घर से, साधारण सहज भाव। और निश्चित सजना ही बता रहा है कि कहीं दूसरे सजना की खोज तो नहीं है मानसिकता में। मानसिकता में कह रहा हूं, अभी सोचें जरा, अपने आप को थोड़ा धिक्कारने का प्रयास करें, अपने आप को थोड़ा संभालने का भी प्रयास करें और धिक्कारने का भी प्रयास करें कि हमारी मानसिकता ऐसी कैसी विकृत होती चली जा रही है कि हम धर्म को पीछे कर सकते हैं मगर हम अपने शौक और अपना फैशन हम कम नहीं कर सकते। सोच लें, समय आपका हो रहा है, हालांकि आज लेट चालू हुआ था। अगर ये बात समझ में आती है तो परिवार को ध्यान रखना चाहिए, और नहीं आज नहीं कल जब ये कैंसर होगा तो कहाँ आओगे? इन्हीं महावीर स्वामी के चरणों में क्या करेंगे महावीर? वो कहेंगे, जब हम कह रहे थे जब तुमने नहीं माना, अब भोगो। बच्चे जब गाड़ी बड़ी स्पीड में चलाते हैं और मम्मी पापा समझाते, बेटा इतनी स्पीड में गाड़ी मत चलाओ, मत चलाओ, प्लीज मत चलाओ, गाड़ी देना बंद कर देंगे। अरे मम्मी मैं ज्यादा नहीं चलाता हूँ, ज्यादा नहीं। और जब एक्सीडेंट हो जाता है फिर मम्मी कहती, अब मम्मी अब मैं बहुत संभल के चला रहा था, फिर एक्सीडेंट कैसे हुआ? तो कोई दोस्त कहता, नहीं तू 80-90 से कम नहीं चला रहा था। फिर पछताने से क्या मतलब है? इसलिए पहले ही समझ जाओ। और मोबाइल से केवल इधर उधर की चीजें देखने के साथ खाने पीने की चीजें भी मोबाइल में देखा करो कि कौन सी चीज कैसे बनती है। थूक लगा लगा करके बिस्कुट के पैकेट पैक किए जा रहे हैं, मोबाइल में है। मुझे कहीं आसमान से खबर नहीं मिलती है, कोई बच्चा मुझे दिखा देता है, पैर लगा करके बिस्कुट के पैकेट पैक किए जा रहे हैं, सूसू मिलाई जा रही है पानी पतासे के पानी में, मोबाइल में देखो। मैं नहीं कह रहा हूं, आपके मोबाइल में देखो, उसमें सब भरा पड़ा है। और कितने अच्छे लगते हैं पानी पतासे, 10 रुपए के कितने मिलते हैं? 3-4, 2.5 रुपए का एक, और पड़ता कितने का है वो? 75 पैसे का एक। 10 रुपए में 15 आ सकते हैं और तुम 10 रुपए में 4 खरीदते हो। कप का पानी सुबह का भरा है पानी उसमें मटके में, और उसमें मसाला घोल दिया और पानी डालता जाता है, मसाला डालता जाता है, और तुम उसे खाते चले जाते। क्या तुमसे पानी पतासे बनाते नहीं बनते? बनते हैं तो बनाओ, हमारे लिए मत बना के ले आना। कल एक बार ऐसी घटना घटी, एक छोटी सी बच्ची मेरे पास आई, तो 3 साल की थी। मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने अपना नाम बताया, तो मैंने एक छोटी सी कहानी सुना दी उसका नाम लेकर के कि उस बिटिया को एक दिन भूख लगी, वो कहती मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है। उसकी मम्मी कहती ठहरो बेटे अभी भोजन देते हैं। नहीं मैं गुलाब जामुन खाऊंगी। उसकी मम्मी ने कहा ठीक है कल बना देंगे। बोले नहीं मैं आज ही खाऊंगी। उसकी मम्मी ने अपने बड़े बेटे से कहा जा बेटा गुलाब जामुन ले आ। 50 रुपए दिए, वो 3-4 गुलाब जामुन ले आया। अब वो बिटिया ने देखा तो फट से मुंह में भर लिया। अब वो कहती मम्मी मम्मी मेरे मुंह में फोड़ा हो गया। इसकी मम्मी कहती चलो अभी डॉक्टर के यहाँ चलते हैं।
तो डॉक्टर के यहाँ ले गए, डॉक्टर साहब कहते क्या हुआ, बोले इसको देखो शानवी को, डॉक्टर साहब इसके मुंह में फोड़ा हो गया। तो डॉक्टर साहब ने आ करो वहाँ, तो डॉक्टर साहब भी आ करके बताते हैं, तो वो बच्ची बहुत चालाक थी, उसने दोनों हाथ यूँ मार दिए तो गुलाब जामुन निकल के डॉक्टर साहब के मुंह में चला गया। तो डॉक्टर साहब कहते वाह वाह वाह, तुम्हारा फोड़ा तो बहुत मीठा है। ये तो मैंने उस गुड़िया को सुनाई कहानी। अब दूसरे दिन तो 20-25 लोग प्लेट में गुलाब जामुन ले लेके आ गए। अब वो कहते महाराज को खाना होगा, इसलिए महाराज ने ये कहानी सुनाई है। तो भैया मैं तो खाते ही नहीं हूं। ऐसी स्थिति बन जाती है। तो ये चीजें अपन अपने रसना इंद्री को कैसे बस में करें, कैसे त्याग की ओर हम बढ़े, और बिना त्याग के कभी जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए हमारे जैनाचार्यों ने कहा कि त्याग की ओर अग्रसर बढ़ो, अग्रसर होते चलो। जितना तुम अग्रसर होगे उतना तुम्हारा जीवन मानसिक तनाव से रहित होगा और स्वस्थ रहोगे, और स्वस्थ पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, पांचवा सुख मित्र घनेरे, छठा सुख सज्जन वासा। कहाँ रह रहे हैं आप? ये सारी चीजें हमारे जीवन को पवित्र महान बनाती हैं, त्याग की भावना। तो जो व्यक्ति त्याग करता है उनकी हम सेवा करें, उनका गुणानुवाद करें, उनकी वैयावृत्ति करें, और चार लोगों को कहें कि देखो उनका ऐसा ऐसा त्याग है, क्योंकि आज थोड़ा सा प्रोत्साहन का जमाना है। प्रोत्साहन करने से हमारे शिविर में 200-200 लोग 10 उपास करते हैं। कोई पानी से लेकर के करता है, कोई दूध पानी से करता है, कोई निर्जल भी करते हैं। 10-15 लोगों ने निर्जल उपास किया, यानी 240 घंटे बिना पानी भोजन के रहना, ये बहुत बड़ी तपस्या है आज के पंचम काल में। तो ये सारी इनकी हम प्रशंसा करना चाहिए, और इनका सम्मान करने से दूसरे लोगों के भी भाव बनते हैं। तो ये सारा का सारा कार्य हम अपने जीवन में करें, और जो त्याग रस परित्याग, तो रसों का त्याग करने की परंपरा गृहस्थों के लिए भी कही गई, जो एक एक दिन की रसियां बताएंगे उनको अजमाना चाहिए कि कैसा लगता है, बिना सब्जी के भोजन कैसा लगता है, बिना नमक के भोजन कैसा लगता है, बिना खटाई के भोजन कैसे लगता है, बिना मीठे के भोजन कैसे लगता है, बिना घी का भोजन कैसे लगता है, बिना तेल का भोजन। एक एक दिन करें, और ये करते करते हम इतने अभ्यस्त हो जाएंगे कि हमें समाधि के समय पर निर्व्यापिकाचार जब हमें ये त्याग कराएंगे तो हम बहुत खुशी खुशी करेंगे, और डंके की चोट पर हम अपनी समाधि आदि व्याधि उपाधि से परे समाधि को कर लेंगे। बंधुओं, ये त्याग में बहुत बड़ी ताकत है, रस परित्याग का विनय करना। तो जो त्याग करते हैं, उपवास आदि करते हैं, उनका विनय करना, उनके घर जाकर के उनकी वैयावृत्ति करना, उनके हाथ पैर दबाना, गर्मी के समय पर उनके पैरों में घी लगाना, गर्मी के समय में ठंडा तेल आदि लगाना, हाथ पैर दबाना, ये भी महान शक्ति को प्रदान करने में कारण है। बजबिसब नाराज सैनन प्राप्त कैसे होता है, ऐसे वैयावृत्ति करने से। तो आपका समय हुआ, हम समझें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती नीलू संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी कानपुर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलो